फ्रेंड्स, वेलकम टू लखनऊ फूड वॉक्स। आज आपका शेफ अभिजीत त्रिपाठी आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आया। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे आप बिना तंदूर के पनीर टिक्का मसाला बना सकते हैं घर पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैरिनेशन। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द मैरिनेशन। फर्स्ट वी विल गोइंग टू टेक दी कर्ड। सो कर्ड इज लाइक, मेरा जो ये कर्ड था ये मैंने दिन में रायता बनाया था, तो उसका मेरा कर्ड थोड़ा सा बचा हुआ है। सो इसमें ऑलरेडी क्यूमिन पाउडर एंड सॉल्ट मिक्स है। सो कर्ड 1 बाउल, देन वी विल टेक देगी मिर्च, जीरा पाउडर, और टर्मरिक, सॉल्ट टू टेस्ट, लाइक आपको जितना डालना हो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। देन हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए ये फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैंने खुद घर पे बनाया है फ्रेश। सो फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, इसमें अब हम मिक्स करेंगे कसूरी मेथी, लिटिल बिट ऑयल, सो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे मैरिनेशन को। सो आप देखिए जो हमारा वो है मैरिनेशन है वो बन के रेडी है। अब मैं इसमें मिक्स करूँगा प्याज, अनियंस, ग्रीन कैप्सिकम एंड पनीर टिक्का के लिए पनीर स्क्वायर में कटे हुए बिग शेप में। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें आप मिक्स करने के बाद थोड़ा सा 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून हम लोग डालेंगे इसमें ग्राम फ्लावर, बेसन, जिससे कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए दही और पूरा हो सब कुछ। तो हमारा आधे घंटे हमने मैरिनेट करके रखा था अपने पनीर टिक्का मिक्सचर को, पनीर टिक्का कैप्सिकम अनियन। सो अभी वो मैरिनेट हो गया प्रॉपरली है। सो अब हम अपने पनीर टिक्का को सेकेंगे पैन पे। सो ये देखिए आफ्टर हाफ एन आवर ये हमारा पनीर टिक्का का देखिए प्रॉपर आया है। सो अब हम इस पर एक एक करके पनीर टिक्का एंड ऑल सब रखेंगे। सो हमने प्रॉपरली इसको फैला लिया। अब इसको हमको होने देना है अराउंड 5 to 8 मिनट्स तक ही होगा, जब तक इस पर अच्छे से मार्क्स ना आ जाएं गोल्डन कलर के मार्क्स। सो अब ये एक तरफ तो हो गया है, अब हमको दूसरे तरफ इसको सेकना है पनीर टिक्का को। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, लेट्स सी दिस। अगर आप इसको आधे घंटे मैरिनेट करके रख देंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा गोल्डन कलर का। देखिए कैप्सिकम भी कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए अनियन, आपका अनियन भी प्रॉपरली हो गया है। देखिए तो आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर टिक्का ऑलमोस्ट हो ही गया है, बन के रेडी है। अब हम बनाएंगे इसके बाद पनीर टिक्का को सेकने के बाद हम बनाएंगे ग्रेवी, पनीर टिक्का मसाला की ग्रेवी से स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी टोमेटो को, 2 टोमेटो को ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया है। और ये देखिए हमारा पनीर टिक्का कितना अच्छे से सिक गया है, कितना अच्छे से प्रॉपरली दोनों ही साइड देखिए कितना अच्छा कलर आया है। सो हमारा पनीर टिक्का तो बन के रेडी हो गया है, सिक के वो अच्छा से निकल गया, वो कलर अच्छा आया है। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रेवी कैसे बनाएंगे पनीर टिक्का मसाला की। सो
सो पहले ऑयल डालेंगे, इसमें हम डालेंगे जीरा, देन ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अभी फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट है, चॉप अनियंस, सो इसको हमें गोल्डन ब्राउन क्या कहते हैं प्रॉपर कलर देना है, इसको इतना भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे टर्मरिक, हल्दी डाला, अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है, अब डालेंगे हम इसमें देगी मिर्च बहुत थोड़ा सा, देगी मिर्च आपके खाने को एक तो आपको नुकसान भी नहीं करेगी देगी मिर्च, और आपको खाने को बहुत ही अच्छा रेडिश कलर भी देगी, बहुत ही प्यारा कलर सोंधा का। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी, फ्रेश टोमेटो प्यूरी, तो देख रहे हैं हमारा जो टमाटर है मसाले के साथ अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमारा पनीर टिक्का का जो हमारा मसाला था, क्या कहते हैं जो लेफ्ट ओवर जो हमारा बचा हुआ है मिक्सचर मैरिनेशन का, वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये हमें एक अच्छी सी थिक ग्रेवी दे देगा, इसको भी हम अच्छे से मसाले के साथ ही टोमेटो पेस्ट के साथ इसको भी हम भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, देख सकते हैं हमारा मसाला एकदम अच्छे से भून गया है, इतना अच्छे से जो हमारा कलर है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो आप देख रहे हैं हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर, जो हमारा पनीर टिक्का जो हमने बनाया था तवे पे, अब वो पनीर टिक्का इसमें डालेंगे। ग्रेवी को थोड़ा पतला रखना है, जिससे कि जब पनीर आप डालेंगे तो जो पनीर आपकी है वो भी थोड़ा सा ग्रेवी सोक करेगी। सो अब इसको हमको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, जिससे कि ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी आ जाए। सो इसको हम लोग 5 मिनट धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको आप देख रहे हैं हमारी ग्रेवी, हमारा पनीर टिक्का मसाला अब बन के रेडी है। इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी आई है देखिए आप, बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है, आप अपने घर पे कभी भी ट्राई करिए। अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से इसका गार्निशिंग करेंगे, मतलब थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा कसूरी मेथी से। सो आप देख सकते हैं इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रहा हूँ, कसूरी मेथी को जब भी आप डालिए थोड़ा सा उसको अच्छे से दोनों हाथों से रगड़ कर डालिए। सो हमारी पनीर टिक्का मसाला है बहुत ही लाजवाब लग रही है और बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और प्यारा सा कलर आया इसका है। सो अब टाइम टू सर्व, इसको हम लोग प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बाउल में,
सो हम इस पे गार्निशिंग करेंगे। बहुत ही प्यार से इस पे क्रीम डालेंगे, बहुत ही लाइट सी क्रीम, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाता हूँ तो बहुत ही हेल्दी खाना। सो इसकी गार्निशिंग हो गई है क्रीम से, देखिए। इस पे हम डालेंगे बटर, कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर से इसको गार्निश करेंगे, स्प्रिंकल किया, और एक बंच डिश में कोरिएंडर का। सो हमारा पनीर टिक्का मसाला बनके रेडी है, आप देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। प्लीज़ कोई भी आपको डाउट हो इस रेसिपी में तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए। हैव अ लुक दिस इज़ पनीर टिक्का मसाला। घर पे आप, बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने घर पे कभी भी बना सकते हैं।